सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन। यस, वर्गीकरण में, वर्गीकरण टॉपिक चल रहा था अपना, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में अपन ने कौन कौन से टाइप देख लिया था? देखो, एक तो शब्दों का अपन ने देख लिया था, शब्दों का वर्गीकरण देखा था, या तो एक ही ऑप्शन में एक एक शब्द दे रखे होते हैं, चार विकल्प होते हैं उनमें से चुनना है, या एक ही विकल्प में दो दो शब्द भी दे रखे होते हैं, दो दो तीन तीन शब्द दे रखे होते हैं, उनका वर्गीकरण भी अपन ने देख लिया। उसके बाद अपन ने देखा था अल्फाबेट का, वर्णमाला का वर्गीकरण भी देख लिया था, वर्णमाला का देखा, और कल संख्या वाला भी देखा था, संख्या भी देख लिया था। संख्याओं में अपन ने अभाज्य संख्या, वर्ग संख्या, घन संख्या, या किसी पर्टिकुलर एक संख्या का तीनों विकल्पों में भाग जा रहा हो, उस प्रकार के वर्गीकरण भी अपन ने देख लिया था। आज वाले टॉपिक में एक ही ऑप्शन में दो दो संख्या दे रखी होगी, उनमें से कैसे अपने को अलग वाली संख्या छांटनी होती है, इसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, तो पहला जो क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्न प्रश्नों में चार संख्या युग्म दे रखे हैं, चार संख्या युग्म में से तीन संख्या किसी न किसी प्रकार से समान है, उनका एक समूह बनता है, और वह कौन सी संख्या है या विकल्प है जो इस समूह में नहीं आता है। साथ में लिखते भी जाना, आपको लिखो। देखिए, पहला प्रश्न है और पहला ऑप्शन है 20 और 36, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिख देता हूं, पहला ऑप्शन है 20 और 36। दूसरा में 30 और 36, और तीसरा विकल्प है 50 और 56, चौथा 60 और 66। हाँ, इनका अंतर देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं, इन दोनों में कितने का डिफरेंट आ रहा है, कितने प्लस करके, 16 प्लस कर का, ये 16, इसमें 6 प्लस करके, आगे 6 प्लस करके, उसके आगे भी 6 प्लस करके, तो बताओ अलग वाला कौन सा हो गया, ए ऑप्शन अलग हो गया, इसमें 16 जोड़ रखे। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों में समान जोड़ रखा होता है और एक में अलग, यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा है 48, 21, 7, 24, 3, 56 और 7। डी डी कैसे, समझ आ रहा है? हाँ, 48 में 6 का भाग दिया, कितनी बार गया, 8 बार गया, 21 में 7 का दिया, 3 बार जा रहा, 24 में 3 का भाग दिया, 8 बार जा रहा, 56 में 7 का भाग दिया, 8 बार जा रहा, तो अलग कौन सा हो गया, बी ऑप्शन अलग हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, 18, 22, 11, 13, 12, 14 और 17, 19, ए कैसे, इसमें 4 जोड़ रखे, इसमें सर 4 प्लस कर रखे,
इसमें दो प्लस करके, इस ऑप्शन में भी दो, आगे वाले में भी दो, तो अलग वाला कौन सा हो गया है, ए वाला अलग हो गया। चले आगे नेक्स्ट। हाँ चौथा देखिए, देखे सेकंड आ रहा, देखो देखे सही कह रहा क्या। भी आ रहा, हाँ पहले ऑप्शन में क्या कर रखा है, 13 × 3 13 × 39, इसमें एक जोड़ रखा, आगे 14 × 3 14 × 3 = 42, आगे 15 × 3 = 45 × 3 करके प्लस एक कर रखा, और आगे 16 × 3 = 48 प्लस एक 49, तो अलग कौन सा हो गया आपका, बी ऑप्शन, केवल इसमें इंटू तीन ही कर रखा है। ऐसा भी आपको ध्यान में रखना है कि गुणा करके उसमें एक प्लस या माइनस कर सकता है। हाँ पांचवा देखिए, देखिए 25, 36, 144, 169, 100, 121, 9 और 64। आ गया पता है सरदार जी, सभी स्क्वायर है, एक में स्क्वायर नहीं है, कौन से वाले में स्क्वायर नहीं है, सर स्क्वायर तो दे रखा है और कंटिन्यू भी है ना, 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, आगे 12 का स्क्वायर, उसके आगे 13 का स्क्वायर, फिर उसके आगे 10 का स्क्वायर और उसके आगे 11 का स्क्वायर, फिर इसके आगे 3 का स्क्वायर और 4 का यहाँ पे क्यूब दे दिया है। हाँ 8 का स्क्वायर करो तो भी कंटिन्यू नहीं रहा ना, तो ये अलग हो गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आंसर होगा कि ये अलग आ रहा है। छठा क्वेश्चन देखिए, देखिए 37 और 74, 52 और 26, 47, 84, 88 और 44, अलग कौन सा दिख रहा है आपको। तुम भी लिख लो रे, साथ में लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ क्या कर रखा है, पहले में देखो, देखिए 37 × 2 कर रखा 74, फिर 52 में क्या किया, 52 में 2 का भाग दे रखा, 52 में 2 का भाग दिया 26 आ गए, 47 × 2 कर रखा, 47 × 2 = 84 हो जाता है। चौरान में होता है, हाँ ये फिर ये गलत हो जाएगा, इसमें भाजक 2 दे रखा, कहने का मतलब है कि 37 इसका डबल कर दिया, एक संख्या का डबल दूसरी संख्या आ रहा है, जबकि 47 का डबल करेंगे तो कितना आता है, 94 आता है। यहां पर ये ऑप्शन सी वाला आपका अलग हो जाएगा, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट, सातवां देखिए, देखे
सबसे पहले अंतर ही देखना है आपको, अंतर करो। देखिए पहले में कितने का अंतर आया, 123 और 273 कितने जोड़े की 273 आ गया, 150 का। सर इसमें 150 जोड़ रखे हैं, पहले वाले में 150 जोड़ रखे, दूसरे वाले में देखो देखिए इसमें भी 150, इसमें भी 150 जोड़ रखे हैं, आगे वाले में इसमें कितने जोड़े हैं, 150, फिर आगे वाले में 140 ही जोड़ रखे हैं। तो अलग कौन सा हो गया आपका, डी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। चले आगे, यस। नौवां क्वेश्चन, आठवां रह गए क्या, आठवां। 16 और 64, 17 और 68, 20, 100, 21, 84। सी कैसे, इंटू 4, 17 चौक 68, 100 चौक 64, 17 चौक 68, 20 पंजे 100, या इंटू 5 कर रखा आगे, 21 इंटू 4 84। अलग कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, 21 42 24 48 37 74 और 35 28। क्यों, क्या कह रहे हो, डबल हो रहे हैं, हाँ इजी है ये। 21 दूनी 24 दूनी 37 दूनी 35 दूनी 70 आना चाहिए, ये आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में 52 और 68, देखो देखिए क्या कर रखा है, अंतर कितना अंतर आया, 16 का। सर 16 का अंतर आ रहा, 16 प्लस कर रखे हैं, आगे 63 और 77, 14 प्लस हो रहे हैं, यहां पर 14 प्लस हो रहे हैं, 64 और 80, 16 प्लस हो रहे हैं, यहां पर सर 16 प्लस हो रहे हैं, 50 और 66 कितने प्लस हो रहे हैं, 16। तो अलग कौन सा हो गया, बी, बी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। आगे देखे, ग्यारहवा देखो देखिए, 117 39, 164 41, 198 66, 213 71। निकालो देखे, डी सेकंड, 117 में क्या किया, 3 का भाग दे दिया, 39 आ गया, 164 में यहाँ पर 4 का भाग दे रखा, 164 में 4 का भाग दिया कितना आया, 41। 198 में भी 3 का भाग दिया, 213 में भी 3 का भाग दिया, 71 आ गया। तो अलग कौन सा आ गया आपका, सेकंड ऑप्शन अलग है। चले आगे, हाँ 12 में बताओ देखिए, बी 20 40 और 5 क्या किया है, अब
आठ का, आठ बार भाग जा रहा, आगे पांच बार जा रहा है, आगे आठ बार जा रहा है, आगे आठ बार जा रहा, तो अलग हो गया आपका बी वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। तेरह में क्या कर रखा? क्या नहीं लग रहा? हाँ, तेरवा, बारंटी छिन्न में संख्या देखते पता चल रहा अपने को, आठ से गुणा कर रहा है, तेरह नमा की 117, 15 अट्टे 120 और 16 अट्टे 128, अलग कौन सा हो गया? तो सर अलग यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट। 14 में लिखो, देखिए 14 है, 14, 9, 17, 12, 42, 30 और 21, 16, 5 का चाहिए। पहले यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा, आगे यहाँ पर भी 5 का अंतर आ रहा, 5 माइनस कर रखा इसके आगे, 12 माइनस कर रखा और इसमें 5 माइनस कर रखा है, तो अलग हो जाएगा सी वाला, सी वाला अलग हो जाएगा। चलिए, हाँ 15 में देखो, देखिए ए कैसे, माइनस कर रखा अंतर, कितना आ रहा है देख लो, देखे 142 में से 50 घटाए तो अंतर आ रहा है यहाँ पे 90 का, 90 प्लस कर रखा है यहाँ पे, आगे वाले में, आगे वाले में कितने प्लस कर रखा है? 72, इसके आगे वाले में 112 प्लस कर रखा है, कोई बात नहीं। और देखो, देखे भाग दो, देखे भाग कितने बार जा रहा है, 142 में 52 का भाग दो, भाग नहीं जा रहा, 142 52 किस में आते, तेरे का पावड़ा में आते, हाँ 142 और 52, यानी पहले तेरा का 52 का पावड़ा नहीं आता, तेरा का दे दो, ऊपर तेरा का देंगे, तेरा एक काम 13 और बच गया एक, नहीं जा रहा तेरा का भाग जाएगा नहीं, तेरा का नहीं जा रहा, 52 का भाग भी नहीं जाएगा। आगे वाले में दो देखे, 126 और 54 भाग दो, देखे कितने बार जा रहा है 54 में, हाँ तो ऊपर 18 का दे दो, देखे अंतर का तो यही भाग दे हो ना आप, अंतर में क्यों भाग दे रहे हो सीधा ही, हाँ 126 में 54 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है 18 का दिया, या तो 7 और इधर 54, इसमें भी नहीं जा रहा, आगे वाला देना, 168 में 56 का, 14 का जाता, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, आत ही हो जाएगा, बाकी भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर भाग जा रहा है। डी वाले में देख लो, डी में भी नहीं जा रहा होगा, डी में भी नहीं जा रहा, हाँ एक संख्या में जा रहा, वैसे ये गलत दे दिया है,
ऐसा देना चाहिए कि तीन में तो भाग जा रहा है और एक में नहीं जा रहा। एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न ध्यान रखना आप, जब अंतर समान नहीं आ रहा हो तो उसमें एक दूसरे का भाग देना, तीन संख्याओं में भाग जाएगा और एक में भाग नहीं जाएगा, जिसमें भाग नहीं जाएगा वो अपना आंसर। यहाँ थोड़ा उल्टा दे दिया है कि तीन में नहीं जा रहा और एक में जा रहा। हाँ भाई, अंतर देख रहे हैं तो फिर अंतर तो सब में समान होता तो अपन करते हैं। हाँ चलो सोलवा देखो, देखे 14 और 9, 17 और 8, 42, 3, 21 और 6। अंतर का भी आ रहा, 14 और 9 को जोड़ना कितने हो रहे हैं, 14 और 9 जोड़े तो 23 हो रहे हैं, 17 और 8, 25, ये भी नहीं बैठ रहा, ऐसा भी हो जाता है। चलो तो ये इसमें ये दे रखा 42 और 3 में भाग जा रहा हो, पिछला वाला जो था ना उसी टाइप पे दे रहा है कि बाकी में किसी का भाग नहीं जा रहा है और यहाँ पर 42 में 3 का भाग जा रहा। आपको ये ध्यान रखना कि एग्जाम में देगा तो वही तीन में भाग जाएगा और एक में नहीं जाएगा, या फिर आपको पैटर्न ध्यान रखना इन दोनों का योग भी सेम सेम दे दे। जैसे इनको जोड़ने पर मान लिया कितना आ रहा है, यहाँ पे 14 और 9, 23 आ रहे हैं, तो सबको जोड़ने पर कितने आ रहे होंगे, 23 आ जाते हैं और एक में अलग आ जाता है, ऐसा भी पैटर्न दे देता है, इस पैटर्न का भी ध्यान रखना। हाँ नेक्स्ट 81 और 243, 16, 64, 64, 192, 25, 75। सेकंड इसमें इंटू तीन हो रहा, आगे वाले में, आगे वाले में, आगे वाले में अलग कौन सा हो गया, सेकंड। चले आगे बढ़े, उतारो उतार लो, तो हाँ नेक्स्ट देखे 10, 60, 30, 90, 40, 240, 20, 120। रहमत ली सेकंड फोर्थ, मतलब यूं क्या है, फर्स्ट सेकंड ऐसे बोला ना, ली हाँ क्या करेगा इसमें, इंटू 6 इंटू 3 इंटू इंटू 6 अलग कौन सा सेकंड ऑप्शन होगा, बी वाला, यहाँ पर इंटू 3 देर का। चले आगे, हाँ जी नेक्स्ट देखो, देखे 19वां 81, 9, 8, 64, 54, 6, 3, 27 अलग कौन सा है, सेकंड कैसे, सब में लोकान भाग दे रखा है, जबकि हाँ यहाँ पर 8 से गुणा कर रखा है, इसमें लोका भाग दे रखा, इसको 8 से गुणा कर रखा, इसमें लोका भाग दे रखा और इसमें हाँ 9 से गुणा कर दिया, बाकी में 9 संख्या आ रही है, यहाँ पर 8 का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए बी वाला अलग हो जाएगा। हाँ 20वां निकालिए, देखे सी इसमें 13 जोड़ के 12 जोड़े, आगे वाले में 12, इसके आगे वाले में 6 जोड़े,
उसके आगे वाले में अलग कौन सा हो गया? सी। सी ये अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें छह जोड़े। चलो 21वां देखो, 25, 55, 36, 44, 33, 48, 19 और 61, सही है। कौन सा हो जाएगा? ली। रीजन बाकी सभी भाज्य संख्याएं हैं और यहाँ पर डी क्या हो गई? आपकी अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या है इसलिए अलग हो गया। हाँ यस, 12, 34, 45, 67, 23, 34 और 56, 78। सी। कैसे? यहाँ पर 11 का ही आ रहा, यही है 12 और 34। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंट आ रहा है? कितने जोड़े इसमें? 22 जोड़े। आगे वाले में 22 जोड़े, उसके आगे वाले में 11 जोड़े और उसके आगे वाले में 22। 11 वाला अलग हो गया। हाँ नेक्स्ट 23वां देखो, देखे 26, 78, 65, 104, 52, 84, 26 और 117। हाँ कौन सा लग रहा आपको? नहीं जा रहा। देखो ये संख्या देखने में पता चल रहा है 26 और 78 जो है 13 दूनी 26 और 13 6 78, 13 का भाग जा रहा दोनों में। 65 और 104, 13 5 65 और 13 8 104। इसके आगे वाले में देखे, आगे वाला आ रहा है 13 4 52, 84 आता है क्या? नहीं आता। हाँ आगे वाला में 13 दूनी 13 9 की 117। इसका मतलब हो गया बाकी से भी 13 से भाज्य संख्या है, 13 का भाग जाने वाली संख्या है, जबकि इसमें 13 का भाग नहीं जा रहा है इसलिए ये अलग हो जाएगा। ठीक है। हाँ 24, 153, 45, 165, 80, 132, 36, 124, 148। हाँ पहले वाले में 3 का जा रहा, 153 जा रहा, आगे वाले में कहाँ जा रहा है? 165 में जा रहा, जाएगा 80 में कहाँ जाएगा? नहीं जा रहा, 3 की बाजकता हम जोड़ के देख लो, 80 में जाते नहीं। हाँ बताओ, 15 3 16 5 80, 13 2 12 4 48। शुरू के 2 डिजिट है, उसको तीसरे अंक से गुणा करना है।
पंद्रह थी 45, 16 पंजे 80, 13 दुनी 26 होना चाहिए, आगे 12 चौक 48, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ 28 और 49 14 42 नहीं जा रहा, 56 और 65 दूजी उल्टा कटी कौन है? कौन सा? यही है 28 और 49 14 42 सात का भाग जा रहा है इनमें, सात का भाग जा रहा है, यानी अंतर करोगे ना तो अंतर में भी सात का भाग जाएगा, यदि अंतर में जा रहा होगा तो यहां पर भी जाएगा। इस 56 और 65 है, इसमें सात से भाज्य संख्या नहीं है। हाँ नेक्स्ट देखो, देखे सेकंड 36 का क्या बना दिया? 63, 47 का 73 लिख रहा है, 58 का 85 उल्टा है, 69 का 96, तो अलग कौन सा हो गया? बी वाला। हाँ 27 का देखो, देखे है क्या किया? चौबीस है, 24 का उल्टा कर दिया 42 और एक जोड़ दिया 43, 35 का उल्टा कर दिया 53, एक जोड़ दिया 54, 36 का उल्टा हो गया 63, इसमें एक जोड़ दिया 64, 21 का उल्टा 12, एक जोड़े 13 करना चाहिए इसको, बेवकूफ बना रहा था अपने को। चलो 28 देखो, लिखे लिखो, हाँ भाई साहब लिख रहे हैं, लिख रहा था कौन सा ए, इसमें 29 का आगे 28 प्लस हो रहे हैं, और ये तो ऊपर वाला तार है, हाँ 72 और 43 कितने माइनस करके हैं? 29 68 और 40 में अंतर करो, देखे 28 माइनस करके आगे वाले में, इसमें भी 28 आगे वाले में, वहां तो अलग कौन सा हो गया? ए वाला अलग हो गया। 29 देखो, देखे क्या किया? 46 में 2 का भाग दिया 23, 34 को 2 से गुणा करे और ना 2 का भाग दे रखा, 2 का भाग भी नहीं दे रखा, आगे 88 में 2 का भाग दिया 44, 84 में 2 का भाग दिया 42, ये अलग हो गया है ना। हाँ अगला है 42 28 और 14 30 और 24 49 और 35 सी अलग हो जाएगा। रीजन एक तो है कि सब में बाकी सब में सात का भाग जा रहा और इसमें नहीं जा रहा, दूसरा रीजन है सब में 14 14 माइनस भी कर रखा है,
जबकि यहाँ पर छह ही माइनस कर रखा है। इस प्रकार से असादृश्यता टॉपिक हो जाता है। वर्गीकरण वर्गीकरण अपना कंप्लीट हो जाता है। अल्फाबेट वाला पर नहीं देखे, चलो उसका मैं बता देता हूँ आपको।